प्रीता अरोरा की एंट्री करवा दी भगवान ने। अब फैमिली वालों को तो यही लगेगा ना कि प्रीता अरोरा ने महेश लूथरा को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। परफेक्ट टाइमिंग। आई लव यू प्रीता अरोरा फॉर दिस। आई लव यू। आंटी कोली लैंड लैंड डैड। महेश जी करो करो देखो डैड 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 क्यों डैड डैड ये सब कैसे हुआ? हाँ डैडी यहाँ कैसे गिरे? करण प्रीता ने महेश अंकल को ऊपर से धक्का दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पापा जी को व्हीलचेयर में घुमाने लेके जा रही हो, फैमिली वालों से मिलाने लेके जा रही हो, उन्हें नीचे गिरा दिया तुमने। ऋषभ पापा को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ पे कुछ हो ना जाए। संभाल के सही जगह। मैं गाड़ी निकालता हूँ। चल चल चल। अचानक फिर से क्या हो गया है? अब ये फिर से किसी की प्लानिंग तो नहीं? देख ये सब कैसे क्यों मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से मुझे नहीं पता। तू घर जा, माँ के पास जा, मैं ये देखती हूँ। He'll be fine दादी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बस आप प्रे करो। I'm missing dad. तू यहाँ क्या करी? तुझे बोला था ना कि घर जा, माँ के पास जा, तू यहाँ क्या करी? मैं नहीं जाऊंगी थी, मैं यहीं पर आऊंगी। लेकिन सृष्टि प्लीज थी, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दो प्लीज। डॉक्टर वो कैसे हैं डैड? आज आपकी ये बेटी आपको वादा करती है, आपको वादा करती है कि जो भी ये इंसान है जो आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपके साथ ये सब हरकतें कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बस मुझे एक बार पता चल जाए ये कौन है। क्या बोलकर मुझे बता नहीं सकते? एक बार आगे खोलकर उसका नाम ले दीजिए। कसम खाती हूँ मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। महेश अंकल उठ गए तो वो सब छोड़ो। तुम्हें पता है मैंने अभी अभी प्रीता अरोरा को महेश लूथरा के साथ देखा, वो उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। बहुत डर लग रहा है अगर अगर महेश अंकल उठ गए और उन्होंने सब कुछ बता दिया कि मैंने कुछ कुछ करना पड़ेगा ना। मैं क्या करेंगे हम? मौके का फायदा उठाएंगे। क्या ये माहिरा भी ना अब खेल खेलने में माहिर हो गई है। पहले जब आई थी तब कैसी भीगी बिल्ली बनकर घूमती रहती थी, और अब देखो खूंखार शेरनी बन गई है जो हर वक्त अपने शिकार को दबोचने में लगी रहती है। और सृष्टि व्हीलचेयर अपने आप तो ये सब नहीं कर सकते ना। यू आर राइट माहिरा, व्हीलचेयर खुद ब खुद चल के सीढ़ियों तक तो नहीं पहुंच सकती ना, और ना ही खुद सीढ़ियों से गिर सकती। और माहिरा ने सही कहा, पापा जी हिल नहीं सकते तो कैसे व्हीलचेयर में बैठेंगे और कैसे कमरे से बाहर आएंगे? तो अब सब चीज क्रिस्टल क्लियर है। प्रीता ने ही पापा जी को व्हीलचेयर में बिठाया, कमरे से बाहर लेकर आई और फिर सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मैंने तो ऐसा सुना है कि घर में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो होने वाली शादी रुक जाती है। अभी तो यही थी। कहीं वो महेश अंकल के रूम में तो नहीं चली गई आईसीयू में अपना अधूरा काम पूरा करने? What are you even talking about, Myra? तुम्हें मालूम है तुम क्या बोल रही हो? मैं भाई के रूम में जाती हूँ। करीना बुआ आप भी अब करन सुन मेरी बात सुन। करन मेरी मेरी वहां पर खड़ी थी,
कि आपने दी को महेश अंकल को धक्का मारते हुए देखा? देखा आपने? किसी ने भी देखा? नहीं ना? देखा था। I mean, शायद देखा था। देखा होगा? जरूर देखा था, एक्चुअली देखा था मैंने। आप लोग सब गलत समझ रहे हैं। करण, तुम तो जानते हो ना कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने खुद उनको गिरा हुआ देखा, तो मैं उन्हें उठाने के लिए आई। तुम जानते हो ना करण, मैंने रहने दिया। गलती होगी मुझसे। तुम पे विश्वास किया, तुम्हें अपने दिल में अपने घर में जगह दी। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैंने, हाँ अगर तुम मुझे कहोगे कि मैंने तुम्हें और माहिरा को दूर करने की कोशिश की तो मैंने की? नहीं चाहिए हमें तुम्हारी अच्छाई, ना तुम्हारी ना तुम्हारी बहन की। देख ले कितनी अच्छी है वो। मेरे पापा जी की जान लेने की कोशिश की इसने, ये इसकी अच्छाई है? ऋषभ जी, आपने देखा, हम सब ने देखा, जब पापा जी नीचे गिरे हुए थे तब सिर्फ प्रीता थी वहां पर और कोई नहीं था। हम सबको पता है कि पापा जी बिना सपोर्ट के उठ बैठ नहीं सकते, तो वो सीढ़ियों तक कैसे आएंगे, वो भी व्हीलचेयर में बैठकर। प्रीता ही उन्हें व्हीलचेयर पे लेकर आई थी और उसी ने धक्का दिया पापा जी को। प्रीता, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं क्या चाहूंगी? मैं बस प्रीता, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। बख्श दो हमें, अब हमारे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। न दोस्ती का न दुश्मनी का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। चली जाओ यहां से। और कभी लौट के मत आना, अपनी शक्ल मत दिखाना हमें, बताना लौट के। चली जाओ, चली जाओ। आने दो उसके लिए डंडा प्यार को, उसी की बैट से उसी की धुलाई करूंगा। ऐसे चौके छक्के मारूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा वो। आने दो उसे, लगता है आ गया। आजा बेटा आजा। मुझे नहीं पता क्या कर रहे, तुम जाओ। तुम्हारे लिए आया था। बात करनी, जाओ यहाँ से। I know, कोई देख लेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। पर सुनो, मैं फिलहाल जा रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत टेंशन में लग रही हो, पर मुझे फोन पे सब बता देना। ओके, सब बता दूँ, जा दो। I love you, baby. इस वक्त लूथरा फैमिली बहुत गुस्से में होगी, जरूर पिता के बारे में कुछ ना कुछ बातें कर रही होंगी। एक काम करती हूँ, पानी लेकर जाती हूँ वहां पे और सुनती हूँ वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। करना चाहती हूँ, सबकी मदद करना चाहती हूँ, राखी आंटी की, महेश अंकल की, करण की, लेकिन आज मेरे पे किसी ने विश्वास नहीं किया।
राखी आंटी ने भी विश्वास नहीं किया। माँ और तो और उस नक्कड़ी डाइन शैलिन को कुछ भी कहने की आजादी दे दी और तो और सबने उस पर आग बन करके भरोसा भी कर लिया। शायद इसलिए उन लोगों ने हमें जाने के लिए कहा। कैसा होता है ना माँ, किसी एक की बात सुन ली जाती है और दूसरों को जाने के लिए कह दिया जाता है और हमेशा हम वो दूसरे ही होते हैं। हम ही क्यों होते हैं वो दूसरे? करीना सही कह रही है, अब हमारा उस घर से और उस घर के लोगों से कोई रिश्ता नहीं। भूल जाओ प्रीता को, उसकी बहन को, उसकी माँ को, जानकी को, बीजी को, सबको भूल जाओ। भूल जाओ कि वो परिवार कभी हमारा अपना था, हमारी जिंदगी में उनकी अहमियत थी। भूल जाओ कि हम उनसे प्यार करते थे। दुख होता है मुझे जब तुम दोनों की बेइज्जती होती है। जब तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी है तो फिर मैं कुछ क्यों बोलूं? लेकिन माँ हो ना, माँ हो, बुरा लगता है मुझे, बुरा लगता है मुझे इसीलिए। कितनी बार बोल चुकी हूं, अब आखिरी बार बोल रही हूं। आज के बाद अगर तुम दोनों में से कोई एक भी लूथरा हाउस गया, उसकी चौखट पर पांव भी रखा ना, तो मेरा मरा मुंह देखोगे। इतनी भयंकर चोट दी उसे। अपनी जिंदगी से निकाल दे उसे, निकाल दे उसे अपनी जिंदगी से। अगर ये चोट उसने मुझे दी होती ना, सच कह रही हूं, मैं उसे माफ कर देती। लेकिन उसने महेश के साथ जो किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। आंटी जी, थैंक गॉड, फाइनली आप सबको प्रीता की सच्चाई समझ में आ ही गई। मुझे तो बोलर की पहले दिन से ही अच्छी नहीं लगती थी, स्पेशली तब से जब से मैंने वो लीगल नोटिस के बारे में सुना। इतना बड़ा धोखा देके चली जाएगी, क्या पता था कि चेहरे पे कुछ है और अंदर कुछ और। अब इंसान के चेहरे पे लिखा तो नहीं होता ना कि वो क्या है और क्या नहीं है। हमारे लिए, मेरे लिए बहुत कुछ किया उसने, अच्छा किया, इसलिए अच्छी लगती थी। ये जो तू कह रही है ना, कुछ अपने दिमाग से कह रही है और कुछ दिल से कह रही है। इसलिए मैंने तुझे कहा है कि अपना मन मजबूत कर और भूल जा प्रीता को कि कभी वो अच्छी थी। हाँ भाभी। महेश अंकल कब तक ठीक हो जाए? और फिलहाल के लिए वो अपने T20 मैच पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता था, तो उसने शादी की डेट आगे कर दी। इसी वजह से माहिरा और शैले ने मिलकर प्लान किया कि होली वाले दिन करण को भांग वाली ड्रिंक मिला देंगे और नशे में उसको बेडरूम में ले जाएंगे और माहिरा उसके करीब आएगी जिससे कि सब लोग देख ले और शादी जल्दी हो जाए। ये जब शैले और माहिरा प्लान कर रहे थे ना, तो समीर ने ये बात सुन ली और समीर ने फोन करके हमें बता दिया। नहीं, मैं अपनी पिता की सच्चाई को बढ़ावा नहीं दूंगी, वरना इसे उस लूथरा परिवार से सिर्फ और सिर्फ तकलीफ और तकलीफ ही मिलेगी। वो लोग उसके प्यार के लायक नहीं। उनकी किस्मत में तो सिर्फ शर्लिन और मायरा जैसी गलत और शातिर लड़कियां ही लिखी थी ना, लेकिन मेरी आंखों के सामने से ना वो सीन नहीं जा रहा है। जब मैं हॉल में आई थी और वो महेश अंकल वहां पर सीढ़ियों पे अटके हुए थे ना, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, उनके दिल में क्या चल रहा होगा,
वो तो तुम्हें बुरा समझते थे ना अब। एनीवेज, मुझे इस समय इस सब के बारे में कुछ नहीं सोचना है। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। करण प्रीता से नफरत करता है, ये सारे घर वाले प्रीता से नफरत करते हैं, अभी सब प्रीता को भूल जाएंगे। घर वालों से याद आया, चलो चल के देखते हैं कि लूथराज के दिल में जो हमने प्रीता के लिए नफरत पैदा की ना, उस आग में और कितना घी डालने की जरूरत है। राखी, तू ऐसा क्यों कर रही है बता? तो कितना अच्छा ससुराल है तेरा, कितनी प्यार करने वाली सास है, कितनी अच्छी ननद है, अंडरस्टैंडिंग, सब लोग तुझसे कितना प्यार करते हैं, कितना केयर करती है तेरी और एक दूसरे की। किसी एक को चोट लगती है तो सबको दर्द होता है। कहाँ मिलती है ऐसे फैमिली आजकल। अगर सब लोगों ने मिलकर कोई डिसीजन लिया है तो स्टिक टू इट ना। और वैसे करीना जी इस घर की बेटी है, अगर उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। समीर, कृतिका, करण, ऋषभ, अब क्या बात करनी है? क्या बताऊं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने सीरियस है, इसकी क्या जरूरत है? सब कुछ तो खत्म हो गया। हाँ बेटा। नहीं यकीन हो रहा मुझे, उसने बहुत गलतियां की हैं और हमने नजरअंदाज किया उन गलतियों को, लेकिन ये याद कर, तेरी सगाई में वो भेस बदल के आई थी, और तो और उसने सगाई की अंगूठी भी चुरा ली थी। देखा था ना तुम लोगों ने कैसे पुलिस उसे पकड़ के ले गई, फिर भी हमने उसे इस घर में आने दिया और उसने इस चीज का फायदा उठाया, हमारे विश्वास का फायदा उठाया, हमारे प्यार का फायदा उठाया, और आज देखो क्या किया, तुम्हारी शादी मायरा से रोकने के लिए उसने महेश को धक्का दे दिया सीढ़ियों से। सबने देखा था उसे सीढ़ियों के पास, और फिर तुम लोग कह रहे हो कि वो बेकसूर है, वो कसूरवार है। और दूसरी वो लुटेरी दुल्हन मायरा, मैं बता रही होती देख लेना, एक दिन ना ये लूथरा परिवार को ऐसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाकर खोखला कर देंगे, बर्बाद कर देंगे लोग लूथरा फैमिली को, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं ये लूथरा किस भ्रम में जी रहे। बेटा अपनी फैमिली से प्यार करते हो ना, चाहते हो ना कि तुम्हारी फैमिली उस प्रीता से बची रहे, बचाना चाहते हो ना, बेटा मेरी ये बात मान लो, अपनी जिंदगी का सिर्फ एक दिन दे दो मुझे, उसके बाद तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो, बोलो बेटा करोगे ना इतना अपनी बुआ के लिए, बोलो बेटा करोगे ना कल माहिरा से शादी? बचाओगे ना हम सबको प्रीता से? जवाब तो बेटा। करण सर, ये विंडो जैम है, आपको मेन डोर से आना पड़ेगा, ये खुल नहीं रहा है। अरे सृष्टि, खिड़की खोलो। अरे करण भाई नहीं, मैं हूँ, सामी, समीर, खोलो ना। ठीक है, सामी है।
सैमी सुनो, ये विंडो ना जाम हो गई है, तुम्हें मेन डोर से आना पड़ेगा। और वैसे भी हम ज्यादा देर तक ऐसे बातें नहीं कर पाएंगे, तो मेन डोर से आओ, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। चलो चलो चलो। अरे यार, तुम बिल्डअप देना बंद करोगे, बताओगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? कम ऑन समीर, ऐसे तुम सस्पेंस मत बढ़ाओ, बताओ ना क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? हुआ नहीं, लेकिन होने वाला है। क्या? और वो भी कल। प्रीता, कल करण भाई और मायरा की शादी होने वाली है। जिंदगी पर ये हाथ छोड़ूंगा। अच्छा, दोनों की शादी हो रही? अगर दोनों शादी करना चाहते हैं तो करें। ओहो, जरूर बिल्ली होगी, ये बिल्लियों ने ना नाक में दम करके रखा है, पता नहीं कहां से आ जाती है, देखना पड़ेगा। अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है, मेरे लिए भी और मेरे दी के लिए भी। और एक मिनट, अगर तुम्हारे भाई को उस माहिरा से शादी करनी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं यार? क्या कर सकते हैं हम, कुछ कर सकते हैं? तुम तो ऐसे मत बोलो यार, एक काम करो प्लीज, ठंडे दिमाग से सोचना, उसके बाद जाके अपनी बहन से बात करना कि वो ये शादी रोके, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी यार, प्लीज। मुझे नहीं पता ये सब बता के मैंने सही किया या गलत। और मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। ओ सर लांटी, मैं शर्म नहीं आती तुझे? पर नमक छिड़कना चाहते हो, हाँ? उसके दुखों पर हंसना चाहते हो? कितना दुख दोगे मेरी बेटी को? कब तक दुख दोगे? इतना याद रखो कि कोई भी दुख मेरी बेटी तक नहीं पहुंच सकता। जब तक मैं जिंदा हूं ना, हर दुख और आंसू के बीच में मैं खड़ी हुई रहूंगी। और हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे घर में जितनी शादियां करनी है करते रहो, हमें कोई आमंत्रण पत्र नहीं मिला है कि हम तुम्हारी शादी में जाएं। तुम किस हैसियत से आए हो यहाँ पर हमें बताने की करण और मायरा की शादी होने वाली है? जाओ यहाँ से। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? अगर आपको लग रहा है कि आपकी बेटी का दिल टूट गया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने एक काम से बात सुनी, दूसरे काम से निकाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ा है मुझे। शादी होनी है तो होने दो, आप प्लीज आप अपना दिल मत दुखाओ, आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है। अपने बच्चों को आपने इतने संस्कार दिए, इतनी सीख दी है, हम लोग इतने कमजोर नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, कोई फर्क नहीं पड़ा है माँ। कल एक नई सुबह, कल से हम नई जिंदगी शुरू करेंगे, ठीक है? माँ प्लीज मुस्कुराइए, प्लीज। अच्छा चलो, बहुत रो लिया आज रात माँ, बस हो गया, अब चलो।
कि वो अच्छी है या बुरी है या कैसी है, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, पर यार मेरा छोटा भाई है, आप तो जानते हो ना, मैं तो उसका भला ही सोचूंगा ना। मुझे तो करण के लिए हमेशा से प्रीता जी ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि एक अकेली वही है जो उसकी लाइफ में खुशियाँ ला सकती हैं, उसको सपोर्ट कर सकती हैं, उसको वापस सही ट्रैक पर ला सकते हैं। पर लाई हैं डैड, आपको मालूम है जब से वो वापस आई है ना, करण ने वापस से हंसना शुरू कर दिया, ढंग से बात करता है, हंसता है, हंस हंस के बात करता है, रिएक्ट नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है, चार्मिंग फेस उसका जो है ना वो वापस आ गया। लेकिन वो मानता नहीं है, मुझे तो प्रीता जी के अलावा और कोई पसंद ही नहीं आता उसके लिए। फिर आपको भी पता है ना कि करण के लिए प्रीता जी सही है, आप बोलो ना एक बार करण को। सब लोग वहाँ टाइम पे पहुँच गए, उसे भागने का मौका ना मिला। मैं मान ही नहीं सकता कि प्रीता जी ऐसा कभी कुछ कर सकते हैं। ये बात तू भी जानता है ना तू, करण डैड को छोड़ इस दुनिया में वो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तेरे को इस मत के श्योरिटी देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी तू ऐसा सोच रहा है। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा दिल क्या मानता, मेरा दिमाग क्या मानता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे डैड इस बिस्तर पे दोबारा आ गए, दैट्स इट। मैंने कहा था ना डैड आपसे, कतरा कतरा सब भुलाएंगे, सिलवटे जो तुमने छोड़ी है, धीरे धीरे सब मिटाएंगे, काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है, जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे हैं, उसकी रातों से सुबह अपनी रफ्ता रफ्ता खींच लाए। चल नई शुरुआत कर, भूल के जो हो गया, हाथ पे यूं हाथ क्या रखना, लड़की है। But you're mistaken. वो आपकी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। In fact, वो तो मेरी जैसी है। बहुत ही शातिर, बहुत ही स्मार्ट। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी टैलेंटेड है, इतनी डेविलिश है। But, sorry. अरे शैलिन, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं आंटी, अभी अभी आपने जो कहा वो कितना सच है ना, माहिरा के सपने सच होने जा रहे हैं। आई जस्ट होप कि किसी को उसकी नजर ना लग जाए। बेटा चल इसके पास चलते हैं। कम बेटा, आखिर मुझे नहीं लगता कि वो मंदिर गई है, क्योंकि माहिरा कभी भी कहीं भी जाती है तो मुझे बता के जाती है, वो ऐसे नहीं कर सकती, और स्पेशली आज के दिन। Something wrong somewhere. मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, क्या करूं? What should I do? Ramona? आंटी, रुकिए आंटी। ये रमोना भी कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही है, माहिरा मंदिर ही गई होगी, भला और कहाँ जा सकती है? लो, बात करने का मौका क्या दे दिया मैंने? सर पे खड़े रहकर तांडव कर रही हो तुम?
चलो निकलो, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। निकलो। रुक जा सृष्टि, छोड़ दे उसे। क्या? मैंने कहा छोड़ दे। माहिरा ने कहा है कि उसे मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, तो ठीक है बताने दो उसे, अंदर आने दे। पता नहीं कहाँ चली गई बिन बताए, उसको बहुत टेंशन हो रहा है। क्या पता भगवान ने लास्ट मोमेंट पे अक्कल दे दी हो कि उसे करण भाई से शादी नहीं करनी चाहिए, तो घर छोड़ के चली गई हो। सॉरी, वो मैंने आपकी बात सुनी अभी अभी। मुझे एक बात बताइए, अब बाय एनी चांस माहिरा ने कोई लेटर छोड़ा था क्या? लेटर? अब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी अपने घर से या फिर शादी के मंडप से भाग जाता है तो एक लेटर छोड़ देता है। क्या बोल रही हो तुम? क्या कहना चाहती हो कि माहिरा कहीं बाहर गई है, उसका फोन उसके पास नहीं है, वो फोन के पास जाने की कोशिश कर रही है, वो किसी के साथ है? प्लीज साफ साफ बताओ, बोलना क्या चाहती हो? कुछ नहीं बुआ, मेरे जो दिल में है मैंने कह दिया, लेकिन आप लोग तो बड़े हो समझदार भी, तो आप लोग खुद ही समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं प्रीता ने माहिरा के साथ कुछ नहीं किया ना? ऐसा लग रहा है उसने कोई गड़बड़ किया होगा, उसने फिर से मायरा को गायब कर दिया होगा।